दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अपना रुख बदला है और एक बरसात जो है वो एनसीआर के और आसपास के इलाकों में देखने को मिली है। हरियाणा में मौसम ने करवट ली है, हरियाणा के कई इलाकों में हल्की बारिशें शुरू हुई हैं, ऐसी खबर जानकारियां सामने आ रही हैं। फतेहाबाद और रोहतक यहां पर भी मौसम ने अपना यू टर्न लिया है, रुक रुक कर बारिश यहां चल रही है और सर्द हवाओं ने अब ठिठुरन को बढ़ाकर रख दिया है। जो बातें कही जा रही थी कि इस बार सर्दी वैसी नहीं पड़ रही है जैसी पड़नी चाहिए थी, तो बारिश ने इस बात का जवाब दे दिया है कि अब सर्दी वैसी ही पड़ेगी जैसी आमतौर पर पड़नी चाहिए होती है। फिजाओं में, हवाओं में एक बार फिर से ठिठुरन जो है वो इस बारिश के साथ बढ़ गई है। सर्द हवाओं ने एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर का रुख कर लिया है और इस बारिश को एक बदलते मौसम और बढ़ती हुई ठंड के रूप में भी मौसम वैज्ञानिक देख रहे हैं। ये तस्वीरें राज्यभर से अलग अलग जिलों से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज शाम बारिश हुई। फतेहाबाद से हमारे संवाददाता अजय मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, क्या कुछ है मौसम का मिजाज? केशव, देखिए मौसम को लेकर के जैसे पहले ही जो है वेदर एक्सपर्ट जो पहले बहुत बता चुके थे कि आने वाले 26 और 27 तारीख को जो एक पश्चिम विक्षोभ हिट करेगा और जो है पहाड़ी इलाकों के अंदर स्नोफॉल हो सकता है और मैदानी इलाकों के अंदर जो है बरसात की संभावना है। उसी के जो है आज उसी का असर यहां देखने को मिला है। आज सुबह से ही जो है बादल छाए हुए थे, दोपहर बाद से जो बरसात शुरू हुई है हल्की हल्की बूंदाबांदी शाम तक चलती रही है। बूंदाबांदी के बाद जो है अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों में ही गिरावट दर्ज की गई है केशव। साथ ही जो है दिन भर कोहरा भी छाया रहा है, बादल छाने की वजह से धूप नहीं निकलने के कारण जो है मौसम में ठिठुरन बढ़ गई है, लोग जो है अलाव सेपते नजर आ रहे हैं। जी, क्या कुछ कहना है मौसम वैज्ञानिकों का, कब तक रहेगी ये ठिठुरन और आने वाले समय में एक दो दिनों में क्या बारिश जारी रहेगी? बिल्कुल केशव, देखिए जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनकी अगर हम उनकी बात माने तो 26 और 27 तारीख की जो पहले से ही एक प्रेडिक्शन की जा रही थी, 26 तारीख आज का जो है निकला है दिन और बरसात हल्की फुल्की दर्ज की गई है। कल के दिन भी हरियाणा में और मैदानी इलाकों के अंदर कहीं कहीं जो है हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात की संभावना जताई गई है। साथ ही जो है सर्दी के जो तापमान है वो भी आने वाले दिनों में कुछ न्यूनतम तापमानों में गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही अगले हफ्ते भी एक हल्का पश्चिम विक्षोभ आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे एक बार फिर से बारिश की संभावना भी बन रही है। जी ठीक है, जी नजर बनाकर रखिए आप। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।